तीसरी बार फेल होगा पहली जमात में तीसरी बार फेल होगा। एक ही क्लास में पीएचडी करने का इरादा आ गया, फिर से फेल होगा तू। अरे क्यों मार रहे हो इसे? इसका रिपोर्ट तो कल आने वाला है, हाँ? आज क्यों मार रहे हो? अरे कल मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये फेल हो जाएगा, इसलिए एडवांस में मार के जा रहा हूँ। अरे फोन तो। अरे इसकी जान लोगे क्या? अरे तो और किसकी जान लूँ? ऐसा नहीं है कि तू इस छोटे से बच्चे को पढ़ा सके। पढ़ा कैसे सकती है, अनपढ़ है। अनपढ़? एमए किया है मैंने। पता नहीं एमए किया है कि एमए किया है। मेरी छोड़ो, अपनी देखो, बीए थर्ड डिवीजन। चुप कर, हमेशा ताने देती रहती है। दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं एमए हूँ और तुम बीए थर्ड डिवीजन। खींच के एक मार दूंगा, समझती क्या अपने आप को? एमए पास। एमए पास मैं हमेशा के लिए झंझटी मिटा के रख दूंगा। मैं करूंगा। क्या करोगे? एमए करूंगा। अरे चलो, अच्छा हुआ तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। बीए थर्ड डिवीजन करके तुम तो क्लार्क ही रहेगे, अगर एमए करोगे ना तो शायद मैनेजर बन जाओगे। पहली बार तुमने एमए पास वाली बात की है, पर 5 ही साल तो रहते हैं मेरे रिटायरमेंट में। अरे तो क्या हुआ, 5 साल में मैनेजर बन सकोगे तुम? ये दूसरी बार तुमने एमए पास वाली बात की। ठीक है मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एमए करने। दोस्तों, मेरा ये ज्ञानचंद भाटिया कॉलेज शिक्षा का एक मंदिर है, जिसे मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी ने बनवाया था, और जहां मेरे पूर्वज सदियों से शिक्षा देते आ रहे हैं। कौन? पान थूक के बात कर शुक्ला। आधे छात्र तो इसलिए फेल हो जाते हैं कि जो तू बोलता है वो किसी की समझ में नहीं आता। और पान थूक के कॉलेज की दीवार खराब कर दी वो अलग। कहां थूकते हैं? मैं कहां थूकते हैं? पांडे प्यून हो, प्यून की तरह रहो। ए तमीज से बात कर बे शुक्ले। अबे मैं टीचर, इज्जत से बात कर। पता नहीं किस गधे ने टीचर बना दिया तुझे। इन्होंने ही बनाया था, प्रिंसिपल साहब ने। है हाँ, लेकिन इस तरह मत देखो, गलती इंसान से ही होती है। और झगड़ा मत करो भाई, हमारे कॉलेज में स्टाफ की वैसे ही कमी है। एक एक टीचर 5-5 क्लास को 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाता है, और कभी कभी तो बेचारे प्यून को भी क्लास लेनी पड़ती है। हाँ, तभी तो छात्र नहीं आते। चुप कर लुच्चे। अरे इससे कॉलेज की बदनामी होती है। जितने ज्यादा लड़के क्लास में होंगे उतने ज्यादा पढ़ेंगे, उतने ज्यादा पास होंगे, और उतनी ज्यादा कॉलेज की कमाई होगी। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए मैंने एक ठोस कदम उठाया है। क्या बात कर रहे हैं सर, आपका तो हर कदम ही ठोस होता है, इसमें खास बात क्या है? हमने एक ठोस कदम उठाया है कि हमारे कॉलेज में हम एक अनपढ़, सुशील और सुंदर महिला टीचर को रखेंगे। गुड आइडिया सर, इससे कॉलेज की अटेंडेंस बढ़ जाएगी। कहाँ है आपकी वो महिला टीचर? उषा जी। भाटिया जी। आइए आइए, ये हैं उषा जी हमारी नई टीचर, और ये हैं हमारे टीचर शुक्ला, और ये प्यून पांडे। और हमने एक और ठोस कदम उठाया है, पटेल। बाप रे बाप, ये तो वाकई में ठोस है। अरे ये तो पटेल है, ये तो यूनिवर्सिटी के पेपर आउट करते हैं, पढ़ने से पैसे इसलिए बुलाया है। क्यों वाड़िया जी? पटेल का आना हमारे कॉलेज के लिए एक एडेड अट्रैक्शन होगा। हाँ, फिर स्टूडेंट्स को पेपर आउट कराने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। पटेल हमारे कॉलेज के सभी छात्रों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। कब कौन सा पेपर आउट करना है, किसके घर डिलीवरी पहुंचानी है, मतलब हमारे कॉलेज में किसी छात्र को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब तो क्या है, आपके कॉलेज का रिजल्ट 100% आएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। अरे भाई तूने तो मुंह मीठा करने वाली बात कर दी एकदम। अच्छा सुनो भाई, इम्तिहान में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सब लोग अपने अपने काम में जुट जाओ, जैसे कि मैं जुटा हूँ। आप चिंता मत करिए सर, इस बार देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए क्या लाइन लगती है। सर इतनी भीड़ होगी कि फॉर्म भी कम पड़ जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? सॉरी सर, फॉर्म तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? बट परीक्षा के लिए फॉर्म यहाँ उपलब्ध है। हेलो हेलो भाई साहब, एक सेकंड। क्या है जी? मुझे एक फॉर्म चाहिए था एमए के एडमिशन के लिए। तुम्हें जी पढ़ाने की उम्र में पढ़ने आयो, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाओ। मैं वहाँ गया था लेकिन वहाँ मेरी एज कम निकली है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, तो फॉर्म मिलेगा? खत्म हो गए। तो मैं क्या करूँ? ये भाई साहब क्या बेच रहे हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे? थैंक यू। जय विद्यार्थी। भाई साहब आपके पास एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है, सभी एक्स्ट्रा है। नहीं आप एग्जाम में नहीं बैठ रहे भैया? हम बैठते नहीं, बिठाते हैं। सर क्या दें?
भरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो। नहीं चाहिए तो सही, पर एक ही चाहिए। एक तो ये दो ना यार, हम इसमें खड़े हैं। ये लो जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू नहीं, 500 500। 500? पर ये देखिए फॉर्म के ऊपर तो 100 रुपए लिखा हुआ है। क्या हम ब्लैक कर रहे हैं? ब्लैक ब्लैक लेना है कि नहीं लेना बोलो। नहीं नहीं लेना तो है मुझे। आप रुकिए एक सेकंड, 1 2 3 4 5 ये लीजिए। जय विद्यार्थी। नाम क्या है? सद्दीलाल छुरा। छुरा हटा करके नाम भर के जमा कर दो। छुरा हटा कर? भैया छुरा उड़ा कॉलेज में नहीं ला सकते ना। छुरा के बिना मैं कॉलेज कैसे आ सकता हूँ? क्यों कहे? छुरा तो मेरे साथ चिपका हुआ है ना। बड़े क्रिमिनल टाइप छुरा ना ढूंढो। नहीं 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 नहीं, क्या छुरा चक्कू लेके कॉलेज में घूम रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये वो वाला छुरा चक्कू नहीं है। छुरा तो मेरा सरनेम है ना, मुसद्दीलाल छुरा। अरे पहले तो नहीं बताया? वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। अब कंफ्यूज आना छोड़ो, जाके भर दो अभी फॉर्म। लाडे 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 लाडे। ये बंद कैसे हो गया? अभी तो टाइम नहीं हुआ। हेलो हेलो, कोई है? हेलो 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 भाई साहब, क्या है जी? मुझे ये फॉर्म जमा करना है और यहाँ पे कोई बंद करके चला गया। कहाँ गए ये? घर गया। घर चले गए? अरे ऐसे कैसे, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। कब जमा करूंगा मैं ये फॉर्म? अगले साल। आज साल का आखिरी दिन था। अरे कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे हम क्या करें? अरे प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। ठीक है लाओ लीजिए ये फॉर्म। नहीं तो? अरे उसको घर से बुलाना पड़ेगा, वो आएगा फॉर्म जमा करेगा। क्या दूं? 200 रुपए दे दो। 200? हाँ घर से बुलाना आना। इसी शहर में रहता है ना? रहता इसी शहर में है, लेकिन जाना भी तो पड़ेगा, झंझट भी तो है ना। अच्छा ठीक है भाई, ये लो 200। ठीक है अब यही खड़े रहो, वो आएगा विंडो खोलेगा फॉर्म जमा करा देना। ठीक है? ठीक है। भाई साहब ये लीजिएगा फॉर्म। अरे अरे तुम तो वो आप हो ना? आपको मैं आप नजर आता हूँ? नहीं नहीं अब तुम दिखते तो पियन हो, लेकिन वो आप तो अफसर थे। वो आप वाले अफसर कहाँ गए? बुलाने गए। किसको? हमको। लेकिन तुम तो यहाँ आ गए हो ना? वो भी आ जाएगा। कब? जब हम बुलाएंगे। किसको? उसको। कहाँ यार, एक ही शक्ल के दो आदमी, एक ही आदमी की दो शक्लें। चलो खैर मुसद्दीलाल तुम ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश मत करो, तुम्हारे तो पढ़ाई के दिन है। मेरी क्लास कहाँ पे होगी यार? मैं कम इन मैडम। अब आए हो? आया तो मैं अभी हूँ। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा? आप मेरा इंतजार कर रही थी? सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, लाओ। क्या लाऊं? प्याज। प्याज? हाँ प्याज। मैं प्याज तो नहीं लाया। कमाल है, मैंने तुम्हें फोन पे कहा था ना प्याज लाने के लिए। नहीं आपने मुझसे नहीं कहा था, किसी और से कहा होगा। तो तुम सब्जी वाले नहीं हो? जी नहीं मैं सब्जी वाला नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या? जी। इस उम्र में पढ़ने आए हो? जी आया तो पढ़ना ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद गलत क्लास में आ गया हूँ। ये शायद होम साइंस की क्लास है, मैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस में करने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही जगह पे आए हो, जाओ बैठो। जी मैडम प्याज लाया। हाँ लाओ। और सुनो सुनो सुनो, जाओ तुम जाओ, ये लो। मैं दिन में प्याज नहीं खाता। यही तो, खाना भी नहीं चाहिए। तो आप प्याज इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। हाँ जी लंबे लंबे नहीं काटना, शादीशुदा हो। हाँ शादीशुदा हूँ। तब तो तुम्हें पता होगा ही हमारे घर में शाम को पार्टी है, काटो। पर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। हाँ तो पढ़ाऊंगी ना। कब? पहले खुद तो पढ़ लू। प्लीज छोटे छोटे काटना। स्वेटर का डिजाइन ठीक बन रहा है। वाह तुम तो स्वेटर बुनना सीख गए। मैडम पिछले 1.5 महीने में स्वेटर बुनना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, ये सब तो मैं सीख गया हूँ। बस अपने सिलेबस का कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। एग्जाम सर पर आ रहे हैं, कब पढ़ाएंगी? पहले खुद तो पढ़ लो। कितना पढ़ेंगी? उतना कि तुमको पढ़ा सको। वो शुभ दिन कब आएगा मैडम? 1-2 साल में तो आ ही जाएगा। क्या क्या क्या
आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई मेरे लिए एमए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 साल रह गए मेरे रिटायरमेंट में, अब मुझे रिटायरमेंट से पहले मैनेजर तो बन जाने दीजिए कि सारी जिंदगी मैं क्लर्क ही बना रहूँगा। माय बॉय, अगर तुम्हें उषा जी के पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा शिक्षक दूंगा। वो पढ़ाएगा ना? पढ़ के भी कोई पास हुआ है पागल तो? वो लिखवाएगा क्या? तो ही जो एग्जाम में आएगा। ऐसा कौन टीचर है? शिक्षक महोदय। प्रणाम प्रिंसिपल, प्रणाम। अरे ये ना शिक्षक है ना महोदय ना टीचर है। अरे ये तो फॉर्म बाहर ब्लैक कर रहा था। ना 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 ना, आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। क्या? अब देखिए अपने दिमाग के आधे में टेंशन का दिया मत जलाइए, मेरे कोचिंग क्लासेस में आइए, टाइम हो रहा है, आइए। कोचिंग? हाँ हाँ, शुक्ला कोचिंग क्लासेस आइए। लेकिन भाई मैं शुक्ला कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करूँ, मैं तो यहाँ कॉलेज आया हूँ पढ़ने के लिए, आप पढ़ाइए। कॉलेज में? जी हाँ। भाई साहब आपके पास कोई और काम नहीं बचा क्या? मतलब कि हम बगैर कोचिंग क्लास के कोई शिक्षा देते नहीं, इधर आइए मेरे साथ। कोचिंग क्लास क्या? अरे मान जाओ माय बॉय जॉनी, ज्वाइन कर लो शुक्ला कोचिंग क्लासेस। शुक्ला कोचिंग क्लासेस से कभी कोई फेल होके नहीं निकला। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब आपको नहीं आता हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। अरे फेल नहीं जाएंगे क्या? भाई साहब आप यहाँ आए हैं शुक्ला कोचिंग क्लास में एग्जाम में पास होने के तरीके जानने के लिए, फेल होने के तरीके नहीं। नहीं लेकिन अगर जवाब आता ही नहीं होगा तो हम जवाब देंगे कैसे? अरे बगल वाले स्टूडेंट की कॉपी में देख के। जब मान लीजिए उसको भी ना आता हो तो? अरे आप भी एकदम लहकट है, नहीं आता हो। लाइफ में आशावादी बनिए, ऑप्टिमिस्टिक, समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं आता हो। उसको आता होगा, जरूर आता होगा। मान लीजिए अगर ना आता हो तो? बाथरूम में जाएंगे। अच्छा बाथरूम से जाने से जवाब मिल जाएगा? नहीं, बाथरूम में जाके सबसे पहले उस गेस पेपर को निकालेंगे जिसमें जवाब है, फिर जवाब वाला पन्ना फाड़ कर उसको छुपाएंगे, ऐसी जगह छुपाएंगे जहां कोई देख ना सके। ऐसी जगह जानने के लिए आपको देखना होगा कमीज के कॉलर के नीचे या कमीज में आस्तीन के नीचे, जरूरत पड़ी तो मोजे के नीचे। मान लीजिए उस दिन आदमी ने मोजा नहीं पहना हुआ तो अंडरवियर के नीचे छुपाएंगे। अंडरवियर के नीचे? लेकिन अंडरवियर में से सबके सामने कैसे निकालेंगे? ये तो रखने के पहले सोचना चाहिए था ना, ये बात की समस्या। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ जी जी समझ रहा हूँ। हाँ तो दूसरा, अगर फ्लाइंग स्क्वाड आ जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? वो तो फ्लाइंग स्क्वाड करेगा, हम क्या करेंगे? फ्लाइंग स्क्वाड से बचने के लिए, पर्चे को बचाने के लिए, याद रखिए पर्चा नहीं सबूत नहीं। तो क्या करें? कुछ नहीं, बगल वाले के इधर उधर फेंकने की कोशिश कीजिए, बात नहीं बनी मुंह खोलिए खा जाइए। मुंह खोलिए खा जाइए? हाँ बगैर गोली के पचेगी। पर सबकी जरूरत क्या है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अगर पहले से पता हो कि कौन कौन सा सवाल आने वाला है तब। ये कैसे पता लगेगा? मेरे अलावा और कौन बताएगा, पिछले 10 साल से ये काम करता हूँ। नहीं लेकिन पेपर आउट होगा, इस बात की गारंटी क्या है? पेपर आउट होता नहीं है, कराया जाता है। लेकिन जो पेपर आप मुझे ला के देंगे वही पेपर में आएगा, इसकी क्या गारंटी? नहीं आएगा तो नाम बदल देना। आपका नाम बदलने से क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ठीक है तो पास कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। बोलो अभी से अप्लाई करना है? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो बस पेपर ही आउट करा दो। ठीक है, 5,000 पर पेपर लगेगा। ठीक है, क्या 5,000 रुपीज पर पेपर, लेकिन आगे बेचना नहीं। हाँ ये रेट तो बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, नो नेगोशिएशन, 50% एडवांस, और एग्जाम के एक दिन पहले रात को आपके घर पे पेपर पहुंच जाएगा। रात को पेपर पहुंचेगा तो मैं पढ़ूंगा कब, तैयारी कब करूंगा? ठीक है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 25,000 का खर्चा करो, घर बैठे पेपर दिलवा दूंगा। किससे? अरे भाई कितने पढ़े लिखे बेरोजगार घूमते हैं यहाँ वहाँ, आप कहें तो टीचर से दिलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी जगह कोई और पेपर थोड़ी देगा। नहीं नहीं, पेपर तो मैं ही दूंगा। अरे होता है ऐसा, होता है। आपने कभी वोट दिया है? नहीं मैंने वोट तो कभी नहीं दिया। फिर भी आपका वोट पड़ता है? मतलब वोट पड़ता है? हाँ बस वैसे ही। बोलो 25,000 ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये तो रहने ही दो। ठीक है तो फिर एक और तरीका है। क्या? 5,000 का खर्चा करो, विंडो सीट दिलवा दूंगा। विंडो सीट क्यों? क्या है, विंडो सीट होती है ना तो गैस पेपर पास करने में आसानी होती है। तो गैस पेपर वो होता है जिसमें सारे जवाब लिखे होते हैं, वो पास करने में आसानी होती है। और दूसरी बात, विंडो सीट होती है ना तो हवा फर्स्ट क्लास चलती है। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है,
मैं बाथरूम के अंदर किताब छुपा लूंगा, पेशाब करने के बहाने वहां पे जाऊंगा और वहां से पन्ना फाड़ के छुपा के ले आऊंगा। देखो मेरी बात मानो, विंडो सीट ले लो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो बाथरूम में छिपी किताब से पन्ना फाड़ोगे या तो बगल वाले की कॉपी में झांकोगे। बगल वाले की कॉपी में झांका तो ठीक है, मगर बाथरूम में छिपी किताब से पन्ना फाड़ा तो दो बातें होंगी, या तो वो पन्ना आप कमीज के कॉर्नर में छुपाओगे या तो अंडरवेयर में छुपाओगे। कमीज के कॉर्नर में छुपाया तो ठीक है, मगर अंडरवेयर में छुपाया तो दो बातें होंगी। अंडरवेयर में छुपाया तो सबके सामने निकालोगे कैसे? पूरा क्लास वहां खड़ा होगा, उसके सामने निकालने में आपको शर्म नहीं आएगी? इतने बेशर्म हो आप। नहीं, विंडो सीट दे दो। कल एडवांस दे देना जी, और फिर एग्जाम के एक रात पहले पेपर आपके घर पे आ जाएगा ना। थैंक यू। नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है पटेल, हमने स्टूडेंट से एडवांस ले रखा है। पर क्या करूं सर, ये नया वाइस चांसलर है ना, बड़ा बेईमान है, बिकता ही नहीं है, बोलता है एक भी पेपर आउट नहीं कराएगा। मैंने बहुत समझाया मगर। अरे उससे बोलो वरना दो बातें हो जाएंगी। नहीं नहीं, अब तो एक ही बात करनी होगी। हाँ, लड़कों को नकल करने की छूट देनी होगी। ये तो मैं तो देखूंगी नहीं कि कौन क्या कर रहा है। पहले कौन सा देखती थी? जी। पांडे जी, अब तो एक फर्जी पेपर आउट करा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, स्टूडेंट से लात खिलवाए हैं क्या? बड़ा लात मारते हैं आजकल स्टूडेंट। स्टूडेंट्स मारते हैं? हाँ, और क्या, आजकल हर टीचर पिट रहा है। भाटिया साहब को सूद दिया था कि नहीं सुधा था पिछली बार? अच्छा। लुच्चा कहीं का। वो तो भाटिया जी स्टूडेंट फंड का पैसा खा गए थे। चुप कर। पांडे जी, फर्जी पेपर आउट कराइए। अरे स्टूडेंट्स को पता चल गया कि जो पेपर आउट हुआ है वो नहीं है तो फिर पीटेंगे। अरे तब की तब देखी जाएगी, अगर अभी कुछ नहीं किया तो अभी पीटेंगे। हाँ तब की तब देखी जाएगी। जाइए एक पान लेके आइए ना प्लीज। क्या? ये तो वो पेपर नहीं है जो आउट हुआ था। अपना पेपर दिखाना सर। अरे ये वो पेपर नहीं है। ये तो धोखा है, ये वो पेपर नहीं है। नकल करो, रिटर्न करो, ओके? लाओ। पास होना है? हाँ सर। बाहर जाओ, 10 ठो पान रखवा लेना मेरे लिए, 10,000 रुपए जमा करा देना। सर वो तो नहीं है मेरे पास। सर कल दे देना, अभी जाओ, 1 घंटे में आओ। थैंक यू सर। ये कौन सी किताब दे गया मुझे? क्या है? ये कौन सी किताब दे गया? केमिस्ट्री की। सावधान, साइंस कोर्ट वाले आ रहे चेकिंग के लिए, अपने अपने पर्चे गैस पेपर फेंक दो, फेंक दो। ए, लुच्चा कहीं का नकल करता है? नहीं वो सर पता नहीं है, पेपर मेरे मुंह में कैसे आ गया। बुक करे बुक बुक कहां के लिए? जेल जाएंगे भाई साहब। नहीं जेल 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 गया हूँ। नकल नकल में नकल नकल तो आप भी कर रहे थे क्या? हाँ मतलब टीचर होके किसी स्टूडेंट का एग्जाम दे रहे थे सर। ये बताइए मैं कहीं से टीचर दिखता हूँ आपको? ये तो चपरासी लगते हैं। नहीं देख जब बुक करो इसे और 5 साल तक कहीं एग्जाम नहीं दे सकता। ओके सर। 5 साल के लिए? जी हाँ। और 5 साल के बाद आराम से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद फायदा क्या होगा? तब तक तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर मेरे पास तो काम ही नहीं होगा। तो और अच्छा हुआ ना, घर बैठे बैठे आराम से एग्जाम दे सकोगे। हाँ, नकल करते हुए पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा। हाँ। नहीं, अगर मान लो तब मैं पकड़ा गया तो कोई गम नहीं रहेगा। किस बात का? देखो वैसे भी पास होके कौन सी तरक्की करनी है तुम्हें, वैसे भी तो तुम रिटायर हो जाओगे ना। ये हुई ना टीचरों वाली बात। हाँ जी।